मम्मी सॉ दिस बिफोर एंड शी रियली वांटेड इट टू गो. मम्मी को जाना था लेकिन बेचारी मम्मी गई है अपना स्कैन कराने. आई होप एवरीथिंग फाइन हो यार. अभी इज ऑल सेट. अभी शो मी योर शूज. आर यू शूज हियर? तो फाइनली मैंने अपना स्कैन करवा लिया और आई एम ग्लैड कि मैं स्कैन के लिए चली गई. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस. मेरे पीछे है मेरी छोटी. आज छोटी की छुट्टी है. मेरी बच्ची आज मेरी बच्ची की है छुट्टी. हाउ यू फीलिंग? थोड़ी सी तबीयत है खराब क्योंकि हम स्क्रीम करते हैं स्कूल में. जब हम प्ले करते हैं फिर हम ऐसे ऐसे हो जाते हैं, थोड़े थोड़े सिक हो जाते हैं हम वीकेंड पे. पर हम सिक होते हैं सिर्फ मम्मी पापा के लिए, अपने लिए हम सिक नहीं होते हैं. बस यार इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, गले में एक बहुत खांसी है, पूरी रात खांसी करता रहा है. इसको थोड़े से हे फीवर के भी सिम्टम्स थे कुछ 1 वीक पहले, बट आई थिंक अब इसको प्रॉपर कोल्ड एंड कफ हो रहा है. तो दवाई दी है, अगर नहीं कुछ फर्क पड़ता तो मैं इसको जीपी के पास लेके जाऊंगी. बट आई होप मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए. लेकिन आज एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है. आज एक बहुत प्यारी सी बच्ची की बर्थडे पार्टी है तो मम्मा जा रही है सुपरमार्केट जल्दी से, उसके लिए प्रेजेंट लेके आ रही है. ठीक हो जाओ ना, सेव योर एनर्जी फॉर आवर बर्थडे. ओके राइट गाइज, ये बीमार है, विश्वास कीजिए ये बच्चा बीमार है. सुनो आज सबके तेल मालिश होनी है. फटाफट से तेल लगा लेती हूँ सिर पे, फिर जाती हूँ सुपरमार्केट. मूंग धुली दाल लेके आनी है मुझे, ठीक है ना? मूंग धुली दाल बना दूंगी इसके लिए रोटी के साथ. तो बस दाल लेके आती हूँ और बस बच्ची के लिए प्रेजेंट भी लेके आना है. तो चलते हैं लेकर आते हैं प्रेजेंट और मूंग धुली दाल. सैटरडे को इतना अच्छा लगता है ना, एक भी गाड़ी नजर नहीं आती, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं. I've got this for Lily Abir, a jewelry box, okay, and a book. Hello, Lily का birthday card लिखो. तो बस अबीर के लिए बना दिया मैंने दाल और साथ में बनाई है चपाती क्योंकि उसे जाना है बर्थडे पार्टी पे और मुझे जाना है अपने स्कैन के लिए. तो मैं फटाफट से रोटी देती हूँ. ले लो बेबी, अबीर को सर्व कर दो कि उसका लंच है. ठीक है, ध्यान से. सॉरी प्लेट मैंने ढंग से कढ़ाई नहीं आपको. नो प्रॉब्लम, थैंक यू. बड़े दिनों बाद मैं आ गया हूँ. आज है वीकेंड और मैं और अबीर आगे बैठे हुए हैं. बस प्रीति आ रही है, प्रीति का स्कैन है और मुझे लेके जाना है अबीर को बर्थडे पार्टी में. Where is she going? तो बस वही करने जा रहे हैं. Mom, Daddy, where is mommy going? For scan, baby. We have to go now. Let's go, guys. Let's go. चल चल प्रीति. चल चल चल. आ चुके हैं वेन्यू पे, जो बर्थडे पार्टी का वेन्यू है. ये है प्लैनेट आइस. तो आज हम जा रहे हैं आइस स्केटिंग करने. अबीर, are you excited? Mommy saw this before. Yeah, mommy saw this before and she really wanted to go. मम्मी को जाना था लेकिन बेचारी मम्मी गई है अपना स्कैन कराने. आई होप एवरीथिंग फाइन हो यार. Anyway, मेरे को जा नहीं पाया मैं उसके साथ. कम ऑन अबीर, लेट्स गो. तो ग्लव्स व्लव्स पहन लिए अबीर ने. तो हम जा रहे हैं प्लैनेट आइस. तो मैं आ चुकी हूँ अपने स्कैन के लिए. तो ये है द ब्राइट वेल न्यूरोलॉजिकल वेल बींग एंड फिजिकल रिकवरी. खैर मुझे तो अपना सिर्फ स्कैन कराना है. चलते हैं अंदर. फेस मास्क मस्ट बी वॉर्न. फेस मास्क तो मिला ही नहीं. आइस. अभी इज ऑल सेट. अभी शो मी योर शूज. आर यू शूज हियर? अभी ने आइस स्केटिंग के शूज पहन लिए और वो जाएगा अब आइस स्केटिंग करने के लिए. तो बस मैं अबीर को देख रहा हूँ क्या कर रहा है. वो ये रहा अभी कैमरा थोड़ा फोकस कर रहा है. आई थिंक अबीर मुझे ढूंढ रहा है.
अबीर। तो अबीर को वो सिखा रहे हैं, इंस्ट्रक्टर सिखा रहा है, वो सामने खड़ा है, अबीर कर रहा है, ही इज एंजॉयिंग। तो उन लोगों ने मुझे वेट करने के लिए बोला है, तो जब तक मेरी बारी नहीं आ रही है तब तक मैं बैठ के अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ। तो अबीर अब बिना उसके कर रहा है पेंगुइन के, तो उसके इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि बिना उसके करो, तो ही इज ट्राइंग। वेल डन अबीर, वेल डन। ये कम ऑन, Come on, let's go. चलते हैं, नंबर आ गया मेरा, चलते हैं स्कैन करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। बर्थडे पार्टी से होके आ गए और हम घर जा रहे हैं। हाँ जी, ओह माय गॉड। तो हमारा सारा कपड़ों का स्टैंड गिरा हुआ है। अभी लीव इट फॉर मी, अभी प्लीज लीव इट फॉर मी। गाइस मेरा स्कैन हो गया है। क्या हो गया भाई, सब ठीक था? मम्मी मम्मी वो नींद आ रही है मेरे को। हाय बेटा, कैसे हो? दैट फेल। आपके सारे कपड़े गिर गए हैं प्रीति, सॉरी। ओह माय गॉड, मैं ठीक हो गई, मैं उठा दूंगा, मैं ठीक हो गई। अरे मैं उठा दूंगा, ऐसे मत आओ ना, प्लीज उठा दे। मेरा व्लॉग चला गया, अभी कर रही हूं व्लॉग यार। तो स्कैन के बारे में बताती हूं। तो आज बड़े दिनों बाद हम लोग बैठे हैं अपनी कॉफी लेकर, हालांकि मेरी कॉफी खत्म भी हो गई है। मेरी भी खत्म हो गई है, बस अबीर का लास्ट वीक है स्कूल का और उसके बाद अबीर की छुट्टियां हैं और उसमें अबीर का एक नहीं, अगले हफ्ते भी तो जाना है, दो दिन के लिए। हां, दो दिन के लिए जाना है। और एक दिन ट्रिप भी तो जा रही थी उसके साथ। हां, एक दिन ट्रिप पे भी जा रही हूं उसके साथ। और अबीर का प्ले आने वाला है तो I'm very excited. 29th को प्लेरी डांस, उसका प्ले भी है उसमें। अच्छा, प्ले भी है उसका। उसकी एक दो लाइंस हैं, उसकी एक दो लाइंस हैं। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। सारे बच्चे मिलके ही प्ले कर रहे हैं तो ये उसका फाइनल प्ले होगा इन्फेंट में। और फिंगर्स क्रॉस हम लोग शूट कर पाएं तो फिर आपको दिखाएंगे कैसा गया उसका प्ले। तो ये वाला वीक बहुत ही बिजी वीक होने वाला है क्योंकि बहुत सारे काम हैं घर के और बहुत सारी और भी चीज़ें होने वाली हैं। क्या होने वाली हैं वो शायद हम आपको थोड़ा बहुत कल के ब्लॉग में बता देंगे आपको। और आज का दिन बहुत अच्छा गया, तो फाइनली मैंने अपना स्कैन करवा लिया और आई एम ग्लैड कि मैं स्कैन के लिए चली गई। तो स्कैन की जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी आई हैं। तो मेरी जो दोनों किडनीज़ हैं वो ठीक फंक्शन कर रही हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं है और उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह के पास जाना पड़ेगा या फिर आप घर में एक्सरसाइज करो। तो ऑब्वियसली मैं घर में थोड़ी एक्सरसाइज करूंगी, लेकिन हाँ, इन्फेक्शन कुछ नहीं है, किडनीज ठीक है बस। क्योंकि अभी तक तो मैं बहुत हिम्मत दिखा रही थी, लेकिन जिस दिन मुझे फर्स्ट डे पता चला था ना, मुझे किडनी इन्फेक्शन हो गया है, मेरी हालत ख़राब थी। हालांकि हमने ब्लॉग बनाया, लेकिन उससे पहले जितना रोना धोना हुआ ना, पहले तो घर की चाबियां दे दी थी मैंने, कहा चाबियां दे दी थी इतने बड़ी चाबियां, एक दिन ये वहाँ रुकी नहीं है। पता ये तो चाहता था मैं दो तीन दिन वहाँ पर रुक जाऊँ, ठीक ठाक हो गया है अपना बंदा। पहले दिन फोन करा मैंने, कहा वो लोग मेरे को ना एडमिट नहीं कर रहे, सो यू जस्ट कम टू पिक मी अप। तो आ गया बंदा। दूसरे दिन फिर मैं चली गई एमरजेंसी, उस दिन भी एडमिट नहीं करा। जब तीसरे दिन मैं दोबारा गई ना, कह रहा आज तू उनको बोल, तू उनको बोल, मुझे ऐसे कह रहा है।
मैं कहा भाई क्या हो गया, मतलब कि तू मेरे बिना कैसे रह, कहता तेरे बिना क्या कोई पार्टी थोड़ी चल रही है, कह रहा तू जा अपना रह कर आ, ठीक हो अपना, यू नो अप एंड डाउन करने से बंदा वहीं थक जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है यार, जब NHS में एक बार एडमिट होते तभी आपको वो फुल सर्विस मिलती है। ऐसा वैसे कुछ है नहीं, हम आई थिंक ये हम लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि वो लोग ना ओवर ट्रीट नहीं करते आपको, वो कहते हैं कि ठीक है आपके सिम्टम्स हैं राइट, ये दवाइयों से ठीक हो जाएगा, तभी उन्होंने मेरा नहीं करा अल्ट्रासाउंड, दे सेड देयर इज नो नीड ऑफ इट। चलो कोई बात नहीं, तो हो गया, मैं प्राइवेटली चली गई, मैंने करवा लिया अपना, मेरा वो पार्सल आया था वो तो खोल लिया। हाँ, और सौरभ सूरी के लिए आया हुआ है एक गिफ्ट, मैंने आधा गिफ्ट खोला है, अभी देखा नहीं अंदर क्या है, खोल रही थी क्योंकि हमें काफी दिन से आया हुआ है, अभी हमने खोला ही नहीं। कहाँ से आए यार ये जो मैं उसके लिए नहीं गया था, बड़ी अच्छी चीज भेजी है यार, एज अ पैनलिस्ट नहीं गया था। अच्छा अच्छा, हाँ ये वाला ब्लॉग था ना वो, ये ऊपर एक ब्लॉग आ रहा है, तो सौरभ ये वाला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज देखिए। स्पीकर भेजे, स्पीकर भेजे, नाइस, हमारे पास था भी नहीं ऐसा कुछ। बूम 3 ब्लूटूथ बोल्ड साउंड, अच्छे हैं, वाटरप्रूफ भी हैं यार भाई, वाटरप्रूफ स्पीकर्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब बेसिकली उन्होंने मुझे ऐसा गिफ्ट भेजा कि यू नो थैंक्स फॉर बेसिकली बीइंग एज अ पैनलिस्ट, वेरी नाइस यार, या बूम 3 बूम, सुबह अबीर को बताएंगे कहेगा बूम। ये वैसे है ना थोड़े से जैसे हमारे पास हुआ है क्या नाम है अलेक्सा, हाँ वैसे ही है अलेक्सा जैसे है। हाँ नाइस नाइस नाइस, आपको सुनाएंगे इसकी आवाज़ सुनाएंगे, हाँ अबीर के साथ इसको खोलेंगे। अच्छा नाइस नाइस गिफ्ट, वेरी गुड, वेल डन। ऐसे ही क्या भेजा होगा उन्होंने, तोहफे लाते रहो जी, जीवन में उन्नति करते रहो, चलो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। अब भी एनीवेज गाइस, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम टू द चैनल। अब हम आपसे लेते हैं विदा, नींद आ रही है बहुत तेज, अगले अगले व्लॉग तक के लिए, और कल वापस आ जाएंगे यार, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड विल सी यू वेरी सून, या ऑलराइट, तब तक के लिए बाय बाय।